अच्छा जी बताओ, स्टेज पर आने में डर किस किस को लगता है? हाथ खड़ा करना जिसको डर लगता है, हाथ खड़ा करो जिसको डर लगता है स्टेज पे आने में। हाथ खड़ा करो, स्टेज पर आने में डर किसको लगता है? मतलब सभी लोग आ जाएंगे क्या? अभी कोई भी नहीं आ रहा, हाथ भी खड़ा नहीं कर रहे, आपको डर लगता है? आप ही आ जाओ। हाय, क्या नाम है? सचिन। वेरी गुड, ये बटन लो। आज आपके यहाँ पर खड़े हो, ठीक है? ये माइक दे रहा हूँ मैं। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमारे साथ है सचिन, मिस्टर सचिन, है ना? ओके, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? अच्छा ये बताओ, आपको डर क्यों लगता है स्टेज पे आने में? हाँ, कितनी अच्छी बात बोली है। जब तक हम, उन्होंने बोला कभी आए नहीं, मतलब कोशिश ही नहीं की ना। अभी हमने बोला 200 बच्चे बैठे हैं और हमने बोला स्टेज पे आना पड़ता था, कोई भी नहीं आया। क्यों? क्योंकि कभी ट्राई नहीं करते ना। मैं आपके ऊपर हंसूंगा थोड़ी, मैं आपको सिखाने आया हूँ ना, मैं तो आपका टीचर हूँ। तो जब आपको स्टेज पे आने में डर लगता है तो डर भगाने का एक तरीका है, लिख के रख लो, पेन ही नहीं है ना, दिमाग में सेट कर लो एक छोटी सी चीज। डर भगाने का एक तरीका वो क्या है? जिस चीज से डर लगता है वही काम करो। इन्हें डर लगता था, हमने स्टेज पे बुला लिया, आज के बाद इन्हें कभी डर नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। मैं कभी बुलाऊंगा आगे वाले, हाँ आ जाए, तालियां बजा के बुला। देखो आज हमने उसे बात नहीं करवाई, अगले सेशन में देखना बोलेंगे। अभी क्या किया मैंने? उसे बुलाया। किसी भी काम को करने के लिए पहला स्टेप उठाना सबसे मुश्किल होता है। पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो सबसे पहले क्या करो? कोशिश करो कि यहाँ आ जाओ, आके खड़े हो जाओ, ब्लैंक हो जाओ। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ पर्सनल। मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया कब? जब मैं ट्वेल्थ में था, कुछ भाषा प्रतियोगिता होती ना उसमें, पर यह मैंने एक चिट्ठा लिया, उधर देख लेती ना अपन, लिया जाके हम खड़े हो गए ऐसे। हम सोचो कागज भी लिए हैं, जाके खड़े हो गए हैं और जैसे ही देखे इतने सारे बच्चे, तो ऊपर से पसीना, अंदर से घबरा है, एंजाइटी, पाँव हमारे कांप रहे हैं। कैसे कांप रहे थे? एक तरह से कांप रहे थे ना, एकदम से पाँव कांप रहे हैं, पसीना आ रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, वर्ड बोल नहीं पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, क्या हो रहा है? यही तो है सबसे बड़ा डर। तो मैं क्या होता था, ब्लैंक हो गया था, और आज आप देख रहे हो क्या रिजल्ट। मुझे कितने भी स्टूडेंट्स हों, कितने भी लोग हों, बिल्कुल पीएम नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैंने कोशिश की। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं आज आपको तीन टिप्स दे रहा हूँ पब्लिक स्पीकिंग करने की, उसको आप याद रखिए। पहला, जिस काम को आपको डर लग रहा है आपको वो करना ही होता है, आप उसको पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है तो आपको क्या करना है? कोशिश करनी है। मैं बुलाऊंगा आपको, आ जाना फट से। पहली चीज तो ये कि स्टेज पे आ जाना है, बोलना जरूरी नहीं है। जो अभी एक्टिविटी करके गए ना, मैं उनको बुलाऊंगा दोबारा से आ जाएंगे। सही बोल रहा हूँ? आप लोग एक्टिविटी करके गए, मैं दोबारा से बुलाऊंगा आपको, बिल्कुल डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आप स्टेज पे आए हो। पहली चीज, पहला कदम उठाओ, पहला इनिशिएटिव। दूसरा, आप शीशा देखा, सबके घर में शीशा होता ना, जिसमें शक्ल देखते हो आप, बोलते वाह इतना हैंडसम है ना, उस शीशे में प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस। जब आप शीशे में प्रैक्टिस करते हो, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हो, फिर जाके आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मुझे आज से 2 साल पहले, मतलब ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में 5 साल से हूँ मैं, मतलब बोल लेता था, लेकिन मैं जैसे अभी ये कैमरा चल रहा है इसके सामने मुझे रिकॉर्डिंग करने में डर लगता था, लेकिन मैं पब्लिक को बोलता था। ये भी एक डर है, कैमरा फेस करना भी एक डर है, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। अभी आप स्टेज पे आके बोलोगे, लेकिन कोई एक लड़का कैमरा लेके खड़ा हो जाएगा, आप बोल नहीं पाओगे। तो मेरे सामने ये फियर था। तो मुझे मेरे मेंटर ने बोला कि आप यूट्यूब पे वीडियो डाले जाइए, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करते हो। मैंने कैमरा फेस जब किया तो मुझे झिझक हो रही थी, जो भी मुझे बोलना था मैं बोल नहीं पाता था, बस एक लड़का मतलब कैमरा लेके खड़ा, मुझे डर लगता था। लेकिन क्या किया मैंने? प्रैक्टिस। अकेले में अपना मोबाइल लिया, रिकॉर्डिंग चालू करके रख दी, फिर स्टार्ट हो गए। अकेले में है, कौन नजर उड़ाएगा हमारा? हमारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी तो डिलीट कर देंगे, सीसी में कौन देख रहा है, हम ही तो देख रहे हैं। मतलब अकेले में आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा।
तीसरी चीज क्या होने वाली है, तीसरी चीज से आप बिल्कुल परफेक्ट स्पीकिंग कर सकते हो। क्या कर रहा हूं, पहला तो हो गया आपको क्या, एक स्टेप लेना है आपको पब्लिक स्पीकिंग से, डर नहीं लगना है, सीधे आने की कोशिश करना है। दूसरा, आपको शीशे में देख के बोलना है और वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि आप सीखने के इच्छुक होने चाहिए। अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है, सीखना ही नहीं है, तो मैं तो बोलता ही रहूं। अगर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैंने मेरी जितनी टिप्स दी है ना हमारे फील्ड में, अगर हमने सुन ली और इम्प्लीमेंट कर ली तो एक राइट पर्सन बन जाएंगे। लेकिन अगर जिसको नहीं सुनना है, सीखना नहीं है, तो मैं उनको जबरदस्ती पकड़ के भी बैठा तो ही सीखेंगे। Am I right? देखिए, हर इंसान के पास पोटेंशियल होता है। यू डोंट नो, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। कहते हैं इफ आई स्मॉल पर्सन ड्रीम्स ऑफ बिग थिंग्स, रेगुलर एंड सिंसियर हार्ड वर्क कैन मेक द ड्रीम ऑफ रियलिटी। जब एक छोटा व्यक्ति एक बड़ा सपना देखता है तो लगातार प्रतिदिन की मेहनत से उस सपने को सच कर सकता है। कितनी बड़ी बात है छोटे से कोट में कि अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो एक दिन में नहीं मिलेगा, रातों रात सक्सेस नहीं मिलती है, ओवरनाइट सक्सेस होती है कुछ दिनों के लिए। जैसे अभी सोशल मीडिया टाइम में क्या होता है, ओवरनाइट सक्सेस होती है ज्यादातर। कुछ लोगों के नाम बता देता हूं, रानू मंडल, बचपन का प्यार, ये लोग वायरल हो जाते हैं, ओवरनाइट सक्सेस मिल जाती है लोगों को, फिर क्या होता है, गायब। क्या होते हैं, गायब। एक अच्छा वाला नाम और कोई बताना चाहेगा कुछ, आपको किसी से आगे निकलना है तो उसको या तो पकड़ लो, या तो उसको पकड़ लो या उससे आगे निकल जाओ। कहते ना कि अपनी लाइन बड़ी करनी है तो दूसरे की काट दो, नहीं तो अपनी बड़ी कर दो। कहानी बताता हूं, एक गांव में बहुत टाइम पहले की बात है, एक आदमी मोमबत्ती लाया। क्या लाया, मोमबत्ती। जब लाइट नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तो पूरे गांव में अंधेरा था, उस आदमी के घर में रोशनी थी। मोमबत्ती जलाई तो पूरे गांव ने मतलब सोच में दंग पड़ गए कि इसके घर में ये लाइट क्यों है। तो एक तो तरीका है कि पूरा गांव जाके मोमबत्ती ले आए, तो दूसरा तरीका है उसकी मोमबत्ती बुझा ले। कौन सा सही है, जो एक मिनट, जिनका आंसर ये है कि मोमबत्ती बुझा ले वो हाथ खड़ा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग यही बोलने वाले थे कि मोमबत्ती बुझा दो, कोई बॉटल नहीं है, आधी खाली होगी। नेगेटिव और पॉजिटिव इंसिडेंट कैसे निकलते हैं, आप इंटरव्यू में या कहीं पर भी जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे निकलता है, ये बॉटल है। हाथ खड़े करके बताना ये बॉटल कितनी खाली वाली, बताना ये बॉटल खाली है क्या, आधी भरी आधी खाली है, तो क्या ये बॉटल आधी खाली है, खाली वाले हाथ खड़े करें, आधी खाली है हाथ खड़े करें, आधी बॉटल खाली है हाथ खड़े करें। ओके ओके, बॉटल तीन चालू, आधी बॉटल भरी है हाथ खड़े करें। एक मिनट, ठीक है, जब आधी बॉटल भरी है उन्हें हाथ खड़े कर दिए, आधी बॉटल खाली है उन्हें हाथ खड़े कर दिए, कि बीच वाले लोग कहां थे, ये बॉटल ही नहीं है, इनने हाथ ही नहीं खड़े किए, उनका ये बॉटल ही नहीं है। क्या सुनिए, एक बात, किसी चीज को आप कैसे देखते हैं ये मायने रखता है। जिसने बोला आधी बॉटल खाली है, आपका नजरिया नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। देखने का नजरिया बता देता है आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अगर आप बोलोगे आधी बॉटल भरी है तो आपकी बात में दम है, क्या दम है, मतलब पॉजिटिव हो आप। यही है माइंडसेट का कमाल, कि अगर आपको सक्सेस होना है दूसरे से तो क्या करो, उसके आगे निकल जाओ, उसको गिराने की कोशिश मत करो। सेम हमारी लाइफ में भी होता है, हम अपने आस पड़ोस में एक दूसरे से चलते रहते हैं लेकिन आगे नहीं निकलते। आज से सन 2013 में मैंने एक वीडियो देखा, संदीप माहेश्वरी को कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करें, ऑलमोस्ट, वेरी गुड, बताने की जरूरत नहीं है।
उनको कौन नहीं जानता भाई, पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, 2013 में जब मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने पता क्या किया, आपको ये भी पता होगा फिर, वो YouTube पर मोनेटाइज करना चैनल नहीं किया, पैसे नहीं कमाते, वो कभी भी किसी सेमिनार के पैसे नहीं लेते, कभी किसी ब्रांड का एंडोर्समेंट नहीं करते। तो पहली चीज तो वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। उनको गिनी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दिया गया है, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो नॉट प्रॉफिट है। तो उनसे मैंने क्या सीखा, जब मैंने वीडियो देखा, उस टाइम इंदौर में स्टडी करता था, वीडियो देखने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि किसी भी इंसान की डिग्री ये नहीं बताती कि वो क्या बनेगा। मैं आपकी डिग्री देख के नहीं बता पाऊंगा कि आप क्या बनेंगे, फार्मासिस्ट बनेंगे, एमआर बनेंगे, क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन मैं आपके टैलेंट को देख के बता सकता हूँ आप क्या बनेंगे। बिजनेस करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, आपको सिर्फ अपना पैसा चूज करना है। कई लोग यहाँ बैठे हैं जो बहुत अच्छी सिंगिंग करते होंगे, कई लोग बैठे हैं जो बहुत अच्छा डांस करते होंगे, कई लोग यहाँ बैठे हैं जो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते होंगे, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं जो बहुत अच्छा बोल लेते होंगे। सबके पास एक टैलेंट है। क्या आप जानते हो इस दुनिया में सभी लोग यूनिक हैं? हर एक इंसान यूनिक है। लेकिन अगर मैं आपको देख के बता सकता हूं कि आप फ्यूचर में क्या बनने वाले हो, बोलो, भविष्यवाणी नहीं करता हूं लेकिन मैं देख के बता दूंगा कि आप भविष्य में क्या बनने वाले हो, क्या बनने वाले हो, आ जाइए, इसको अपना फ्यूचर देखवाना, आ जाओ। बागेश्वर धाम के गुरु जी नहीं अर्जी नहीं लगाते, प्रैक्टिकली चीज बता रहा हूं, किसी को अगर पूछना है तो आ जाओ स्टेज पर, आपको क्या बनना है मैं बता रहा हूं। लेकिन कोई मजाक नहीं होने वाला, सच चीज बताओ, ये खड़े हो जाए, ये अर्जी कर लेंगे। देखो सच क्या है, सच ये है कि आपका क्या नाम है, सचिन, ओके, सबके इस पर नाम लिखा है ना, अब नहीं पूछूंगा मैं। तो आपका नाम सचिन है, आप भविष्य में वो बनोगे, आप नहीं सभी लोग, आप भविष्य में वो बनोगे जो आप चूज करोगे, पहली चीज, आप भविष्य में वो बनोगे जो आपके आसपास पांच लोग हैं, मतलब वहां पे आसपास जो पांच लोग बैठे वो नहीं, जो आपकी जिंदगी में सबसे करीब पांच लोग हैं। एक इंसान जिंदगी में वही बनता है जो उसके आसपास एटमॉस्फेयर में होता है। आपकी पहचान आसपास के पांच लोगों से आइडेंटिफाई होती है कि आप क्या करोगे लाइफ में। अगर मैं जितना कमाता हूं मैं बता सकता हूं कि आप कितना कमाएंगे। अगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो मान के चलो 20,000 रुपए महीना कमाता, कोई 30,000 रुपए कमाता, ऐसे 20-30 हज़ार के पांच लोग ले लेते हैं, ठीक है, 20-30 हज़ार के पांच लेते हैं, ठीक है, ये भविष्य में कितना कमाएंगे बताता हूँ। अगर आपके जो फ्रेंड सर्कल में है जो क्लोज है वो 20-30 हज़ार रुपए का महीना कमाते हैं और पांच लोग हैं, तो 20×5=1,00,000 रुपए महीना हो गया, डिवाइडेड बाय 5, मतलब यही 20,000 रुपए कमाए। लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल में 50,000 रुपए कमाने वाला, 1,00,000 रुपए कमाने वाला, ऐसे से करके मिल जाए, मान के चलो टोटल हो जाता है वही 2,50,000 के समथिंग, ठीक है, डिवाइड बाय 5, ये कितना कमाएंगे। अब ये कैलकुलेशन को समझ में नहीं आया होगा, है क्यों नहीं आया समझ में, इसका मतलब है आपके आसपास जो लोग हैं आप उनके जैसा बनने की कोशिश करोगे, वो आपको पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड सर्किल में कॉलेज टाइम में सिगरेट या नशा या कोई भी चीज क्यों सीखता है, फ्रेंड सर्किल के पास आपके पांच लोग क्या बोलते हैं, पी लो यार कुछ नहीं होता, एक दिन पी ली उसके बाद में खुद के पैसे से पिलाएंगे, फिर बोलेंगे आज तुम लोग, सच है कि नहीं है। तो आपके जो आसपास पांच लोग हैं जो करीब हैं उनको जरा सोच समझ के अपने आसपास रखिएगा, क्या वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर आपके दोस्त हैं तो आप उस फ्रेंड सर्किल से अभी हट जाइए। जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना तो अपने फ्रेंड सर्किल को स्ट्रॉन्ग रखो, स्ट्रॉन्ग मतलब अच्छा रखो। लेकिन पहली चीज आप लोगों ने फोकस तरीके से मुझे सुना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो मोटिवेट करता है ना उसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो खरी खोटी मुंह पे सुना देता है, खरी खोटी मुंह पे सुना देता है, तो कई लोग उससे डिसएग्री करते हैं। डिसएग्री क्यों करते हैं, क्योंकि उनका फोकस जो हम बोल रहे उस चीज पर नहीं है, लेकिन क्या है उन्हें अपनी ही चीजों में इंटरेस्ट रहता है।
मुझसे जो डिसएग्री होंगे उसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला पहला तरीका ये है कि सुनती रहे, ठीक है, मुझसे जो डिसएग्री होंगे पहला तरीका, पहले लोग कौन हैं जो मुझे ध्यान से सुनेंगे नहीं मेरी बातों को। दूसरा, मुझसे डिसएग्री वो लोग होंगे जो अपने आप को ये समझते हैं ये मुझे कह सकता है। केयरफुली, हर इंसान के अंदर एक जजमेंट होती है, अगर वो उस जजमेंट के द्वारा किसी को जज करता रहेगा तो मेरे हिसाब से तो लर्निंग मिलेगी नहीं। क्या नहीं मिलेगी? लर्निंग नहीं मिलेगी। लर्निंग कब मिलती है? जब हम जिज्ञासु होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है, कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है। आप बताइए, मैंने अलग अलग 50 से 5 फील्ड में अलग अलग चीजें बताई हैं, क्या ये आपकी लाइफ में रियल प्रॉब्लम नहीं है? कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्पीकिंग इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिल्ड होना चाहिए अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपका ड्रीम पूरा होना चाहिए इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी आवाज कम आई है, मतलब ड्रीम इंपॉर्टेंट नहीं है, सबके होते हैं ड्रीम भाई, अच्छी क्या हो, गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो, और फिर अच्छी शादी हो, क्यों लाइफ का पार्ट नहीं है? हंसने की क्या बात है, लाइफ का पार्ट नहीं है। लेकिन केयरफुली, आपकी लाइफ में सभी पार्ट तब अच्छे जाएंगे जब आप लाइफ के लिए सीरियस हो जाएंगे और सीरियस प्रॉब्लम को रिलैक्स तरीके से क्या करोगे, मैनेज करोगे। प्रॉब्लम के लिए सीरियस नहीं होना है, लाइफ के लिए सीरियस होना है, अपने गोल के लिए सीरियस होना है। कुछ नया सीखने के लिए पहली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? हम उस चीज से रिलेट नहीं कर पाते। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट तो है लेकिन हमें क्या जरूरत है, तो सीख लें, सोच रहे हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपने पूरे सेशन कंप्लीट कर लिए तो आज पहला दिन है, मैं आपसे लास्ट सेशन में मिलूंगा, मतलब एक दो सेशन के बाद भी मिलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप बताना मुझे, सर मेरे अंदर कितने चेंजेस आए, कितने कितने चेंजेस आए। मैं आपको सिखा रहा हूँ सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं, मैंने खुद ट्रेनिंग ली है, 5 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, 5 साल से लोगों को ट्रेन करता हूँ, कई टीचर्स को ट्रेनिंग करता हूँ, आप लोग तो 20 अराउंड हैं, मैं 40-50 जो ईयर्स के लोग हैं ना उनको भी ट्रेन करता हूँ, तो मेरे माइंड सेट में उस टाइप की भी चीजें आती हैं कि मैं अपने से बड़ों को सिखा रहा हूँ। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, वो लोग जज करें मुझे क्या दिक्कत हो रही है? आप बताइए, जब कोई आपका पोटेंशियल पता कैसे पहचाना जाता है? यहां से नहीं, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कई लोग दौड़ लगाते हैं, आप 1 किलोमीटर कितने मिनट पर पहुंच जाएंगे, कोई बता सकता पोटेंशियल कितने मिनट में है? 1 मिनट, 1 मिनट, मतलब कोई 3 मिनट बोल रहा है, कोई 4 मिनट, 3 मिनट लेके चलते हैं, ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल। अगर मैं आपके पीछे कुत्ता भेज दूं तो कितने मिनट लगेंगे? 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सही बात है, लेकिन इसका मतलब पता है क्या है? अगर आपको ड्रीम पूरा करने में 2 साल लगते हैं, लेकिन अगर वही चीजें आपके लिए अलग से प्रेशर जानते हो, मतलब मैंने यहाँ कुत्ते का यूज किया, क्यों? क्योंकि वो पीछे लग जाएगा तो आपको डर लगेगा, काट लेगा, तो भागो। वैसे ही आपके पीछे से एक प्रेशर आएगा कि आपको ये चीज जल्दी अचीव करनी है, तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Am I right? Okay, लास्ट में आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं और नाइस टू मीट यू, कि आप लोगों ने मुझे बड़े प्यार से सुना, इंटरेस्ट दिखाया, जाना नहीं है, अरे पूरी बात तो सुन लो, अधूरा ज्ञान लेके जाओगे तो बाहर क्या बताओगे, सर ने क्या सिखाया। ओके, हम समराइज करते हैं सारी चीजों को। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है हर एक चीज का, कि हमें क्यों इम्पोर्टेंट है, और कम्युनिकेशन की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, इन सारी चीजों की हमने सिर्फ इम्पोर्टेंस बताई आपको, कुछ एक्टिविटीज कराई है क्यों, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट लगा रहे, ठीक है। जैसे ये क्लास मैंने बताया कि कल भी होगी और मंडे को भी होगी, तो अब आपको ऐसे एडजस्ट होकर आना है कि भूख ना लगे, क्योंकि डेली एक्सक्यूज तो मैं नहीं सुनूंगा ना, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, एक दिन तो मैं जबरदस्ती बैठाया रहूंगा, फिर आप लोग मुझे बतो माइंड हो।
चार भूमिका बैठाए रहते हैं। पहली चीज, अगर आपका पूरा ध्यान हमारी साइड रहेगा तो आप कुछ सीखोगे, लेकिन आप भूल के बैठे रहोगे तो आपका पूरा ध्यान भूल पर रहेगा, फिर आप कुछ नहीं सीखोगे। यहाँ से जाने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज बुरी लगने वाली है कि मुझे भूख लगेगी, जबरदस्ती रखना पड़ा, सिर्फ एक ही चीज बुरी लगेगी, बाकी सारी चीजें अच्छी लगेंगी। ओके, तो नाइस टू मीट यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मेरी आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस हैं, आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं सब कुछ आपको मिले। ओके, सब कुछ मिले, लेकिन बस लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहूंगा, थोड़ा आप लोग एक चीज को समझना सीख जाइए, सिचुएशन मतलब कहाँ पर बैठे हो, क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ढलना सीख जाइए, समय के हिसाब से परिवर्तन। आप यहाँ पे बैठे हो, आपको भूख लगी है, हो सकता है आप किसी तरह ऐसी परिस्थिति में हो कि आपके पास खाने को मतलब टाइम नहीं मिल रहा, मान के चलो एग्जाम इतनी लंबी हो गई, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए भी फेस करने को तैयार रहो, तो वहाँ पे बहाने मत बनाओ, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो लास्ट में फिर से बेस्ट विशेस, और मिलते हैं अगले सेशन में, और ये वीडियो आपका यूट्यूब पे भी आ जाएगा, मेरे नाम से चैनल है संदीप विश्वकर्मा, ठीक है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगली बार फिर से, आप लोगों को कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं क्योंकि भूख भी लगी है ना, है पूछना है किसी को भी पूछना है, कोई भी फील हो सकती है, तो ठीक है मैडम, आप लोग अपने हिसाब से बच्चों को बाहर भेज सकते हैं।